नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आधार कार्ड डाटा संग्रहण का कार्य शुरू। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मतदाता सूची को लेकर विशेष शिविर लगाने की कही बात। मुहर्रम और विशेष पूजा पर भागलपुर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। जिलाधिकारी बोले जुलूस की कराई जाएगी वीडियोग्राफी, डीजे वर्जित। आंगनबाड़ी सेविका बहाली में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। एलिस पर लगाया पैसे लेकर चयन करने का आरोप। कारगिल युद्ध में शहीद हुए नायक मिथिलेश पाठक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, लोगों ने किया नमन। और राष्ट्रीय हड्डी एवं जोड़ सप्ताह पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित। डॉक्टरों ने घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 1 अगस्त से शुरू किए गए आधार डाटा संग्रहण से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने कहा कि इसको लेकर पूर्व में ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसके आधार पर प्रशिक्षित BLO और इससे जुड़े कर्मी द्वारा प्रपत्र 6 खो की मदद से जिले में घर घर जाकर और अलग अलग जगहों पर विशेष कैंप लगाकर सभी मतदाताओं का आधार डाटा संग्रहण किया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि आधार डाटा का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है, जबकि इस डाटा का उपयोग केवल निर्वाचन से संबंधित कार्यों के लिए ही किया जाएगा। डीएम ने कहा कि भागलपुर जिले में फिलहाल 22,71,697 मतदाता हैं, जिनका आधार कार्ड डाटा का संग्रहण किया जाना है, जबकि इसके अलावा वोटिंग लिस्ट में नया नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की भी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार जारी रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी प्रकार के संशोधन के लिए सितंबर माह के 4, 18 और 25 तारीख को विशेष कैंप लगाया जाएगा, जबकि इसके अलावा 9 और 23 अक्टूबर, 6 और 20 नवंबर के अलावा दिसंबर माह की 4 एवं 11 तारीख को विशेष कैंप लगाकर मतदाता सूची से संबंधित कार्य किया जाएगा। साथ ही इस तमाम कार्यों के लिए डीएम ने RO APO निबंधन पदाधिकारी समेत निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों को दिशा निर्देश देने की बात करते हुए कहा कि इस विषय पर जिले के अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ली गई है। सभी मतदाताओं का आधार डाटा संग्रहण का कार्य 1 अगस्त 2022 से ही शुरू कर दिया गया है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया और जितने भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठक आयोजित हुई है। और इससे पूर्व में प्रशिक्षण जितने भी मास्टर ट्रेनर हैं उनका जो है डिप्टी इलेक्शन अफसर के स्तर से पूर्व में ही किया जा चुका है। इसमें सभी मतदाताओं को स्वेच्छा से अपना आधार कार्ड देना है, जिसके लिए प्रपत्र 6 ख भारत निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है। उन्हीं प्रपत्रों के माध्यम से BLO को डेटा कलेक्ट करना है। उसकी एंट्री साइट पर होगी, भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्धारित किया है वेबसाइट, उस पर एंट्री होगी। किसी से वो डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, सिर्फ निर्वाचन आयोग के विभिन्न कार्यों के उद्देश्य के लिए उस डेटा का उपयोग होगा। उस डेटा का दुरुपयोग न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। भागलपुर में मुहर्रम और विशहरी पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पर्व त्योहार को देखते हुए स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। डीएम ने विधि व्यवस्था संधारण और शांति व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर लेने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मुहर्रम में DJ पर प्रतिबंध रहेगा, बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा और जो जुलूस या अखाड़ा निकलेगा वह अपने निर्धारित रूट से ही गुजरेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में एडिशनल फोर्स की तैनाती रहेगी। डीएम ने अधिकारियों को अखाड़ों की वीडियोग्राफी सहित क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात कही। डीएम ने मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित रूट को सत्यापित करने, ताजिया की ऊंचाई का आकलन करते हुए तार को दुरुस्त करने, साफ सफाई का प्रबंध करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। सदस्यों के साथ हम लोगों की बैठक हो गई है, थाना स्तर से लेकर के जिला स्तर तक सभी बैठकें आयोजित हो गई है और विशहरी पूजा भी भागलपुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है।
तो कोरोना के बाद 2 साल बाद जो है इस बार विषहरी पूजा का भी आयोजन होगा, तो हम लोगों की व्यापक तैयारी है। एडिशनल फोर्सेस भी हम लोगों को मिलेंगे, SSP साहब उसका भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, और जो मुहर्रम का कार्यक्रम भागलपुर में 2-3 दिनों तक लगातार चलता है उसमें हम लोगों की विशेष सतर्कता रहेगी। CCTV कैमरा पहले से लगे हुए हैं, अतिरिक्त कैमरा लगाए जाएंगे, वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति की गई है, बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, और जुलूस का जो निर्धारित मार्ग है उसी पर जो है जुलूस निकलेगा। जुलूस का सत्यापन थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी खुद करेंगे, उनसे हम लोग सर्टिफिकेट लेंगे। जुलूस का लाइसेंस भी ससमय हम लोगों ने देने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया है। DJ का प्रयोग वर्जित रहेगा। लॉर्ड स्पीकर अगर कमेटी परमिशन लेती है अनुमंडल पदाधिकारी से तो लॉर्ड स्पीकर बजा सकती है, क्योंकि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, कई बार सूचनाएं प्रसारित करने के लिए कमेटी को जरूरत पड़ती है। लेकिन जो बड़े बड़े साउंड बॉक्स DJ के रूप में बजाए जाते हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे। कोई इसका अगर दुरुपयोग करेगा तो जो समिति के पदाधिकारी होंगे उनके ऊपर फिर हम लोग बाद में कार्रवाई करेंगे, उन पर प्राथमिकी भी दर्ज होगी। इधर मुहर्रम को लेकर भागलपुर खानकाह पीर दमड़िया के सज्जादनशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने लोगों से इबादत करने के साथ मोहब्बत, सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर गरीबों, जरूरतमंदों को खाना खिलाएं, दरूदो सलाम पेश कर दुआओं को वर्द करें और गलत काम से परहेज करें। सज्जादनशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी अपने मुल्क से मोहब्बत का संदेश देती है। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना है और इसमें एक अजीम कुर्बानी जो नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के ज़रिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया इसी मुबारक महीने में कि हक़ को दबाया जा सकता है, हक़ को कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। लिहाजा हजरत हुसैन और उनसे मोहब्बत करने वाले आज भी उनके नाम लेवा और हजरत हुसैन जिंदा हैं, इस माने में कि कुरान में फरमाया गया है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है वो जिंदा होता है लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शुऊर नहीं रखते। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना है। इस महीने की पहली तारीख से 10वीं तक लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार इबादत और विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। भागलपुर में शांतिपूर्ण पर्व त्यौहार संपन्न कराने को लेकर जहां प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिला शांति समिति, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, पूजा समिति और नौजवान अंजुमन कमेटी ततारपुर की भूमिका भी सराहनीय रहती है। बताया जाता है कि रेशमी शहर में आपसी भाईचारा, सौहार्द और से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सन 1999 में नौजवान अंजुमन कमेटी का गठन किया गया। तब इस कमेटी में मात्र 20 सदस्य थे और सभी सदस्य 4 रुपया महीना कमेटी कोष में जमा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका काम और दायरा बढ़ता गया। वर्तमान समय में नौजवान अंजुमन कमेटी से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के दर्जनों लोग जुड़े हैं। पिछले 22 सालों से कमेटी मुहर्रम, ईद, बकरीद के अलावा अन्य अवसरों पर भी समाज में मिलत और सद्भाव का संदेश दे रही है। नौजवान अंजुमन कमेटी के संस्थापक मोहम्मद शहजादा खान ने बताया कि इसके संचालन में अध्यक्ष मिराज पपलू, सचिव कलामुल हक, समाजसेवी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, अधिवक्ता इरशाद इस्माइल, अनवार खान, आमिर खान, इरशाद खान समेत कई लोगों का भरपूर सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि 10वीं मुहर्रम को तातारपुर चौक से करीब 65 अखाड़ा जुलूस गुजरता है जिसमें हमारी कमेटी शरबत पानी का शिविर लगाने के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करती है। साथ ही अनुशासन वाले अखाड़ों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाता है। अंजुमन कमेटी हम लोग 1999 में स्टार्ट किए थे, जो सब लोग उसमें सहयोग करते थे। हम लोग 1 रुपए से स्टार्ट किए थे इसको, उसमें लगभग जो है 100 मेंबर थे। उस टाइम से हम लोग कार्य करते चले आ रहे हैं और अभी मुहर्रम में हम लोग का खास फोकस है। मुहर्रम में जितने भी अखाड़ा आते हैं उनको चौक पर फूलमाला से, शील्ड से, सर्टिफिकेट से हम लोग सब वहाँ पर स्वागत करते हैं। चौक पर ये सारा प्रोग्राम हम लोग करते हैं और जो भी जैसे दुर्गा पूजा हुआ, विषहरी पूजा हुआ और भी जितने पूजा समिति सब जितना भी है हम लोग को चौक पर, तातारपुर चौक पर
उन लोग का भी स्वागत करते हैं। वहीं कमेटी के सह संस्थापक मोहम्मद आसिफ सलीम खान ने मुहर्रम जुलूस में शामिल पैकरों के अलावा सभी नौजवान से दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हुजूर के नवासे हजरत इमाम हुसैन तीरों की बौछार में नमाज पढ़कर दुनिया को शांति का संदेश दिया। आसिफ खान ने हुसैनी अंदाज में मुहर्रम मनाने पर जोर दिया। तो अखाड़ा जो है वो एक तरह से मान के चलिए कि इमाम साहब के सोग में आप लेके जाते हैं, खुशी में नहीं। इसलिए आप अखाड़ा लेके जाएं तो डीजे लेके न जाएं, टोपी पहन के जाएं और आप डिसिप्लिन से जाएं। अगर आप कोई भी हुल्लड़बाजी ना करें, डीजे लेके तो जाए ही नहीं। पैकरों से क्या अपील होगी? पैकरों से अपील है कि आप इमाम हुसैन के सिपाही हैं, आपको डिसिप्लिन से जाना होगा। आने जाने वाले रास्ते में कोई भी लोग जाते आते हैं, उन लोगों को कोई तरह की परेशानी नहीं हो। आप किनारे से रोड के चलें, आप डिसिप्लिन से चलें, आप नारा लगाते हुए जाएं, आराम से जाएं। और कहीं पर भी कोई भी ऐसा आप बदनामी करते हैं तो इमाम हुसैन के सिपाही की बदनामी होती है। इधर तातारपुर इलाके से संचालित नौजवान अंजुमन कमेटी के कार्यों को लेकर हाजी मजहर अख्तर शकील बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा, हेल्थ, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ पब्लिक प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना है, ताकि पर्व त्योहार के मौके पर भागलपुर से देश भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले के ये नौजवान अंजुमन कमेटी जो है तातारपुर की, ये पूरे भागलपुर में फैली हुई है और इसका फंक्शन ये है कि ये काम जो करती है पीस और माने स्पोर्ट्स, हेल्थ और सोशल वर्क में, और इन लोगों का बहुत एक्टिव रोल रहता है इसमें। सब नौजवान लड़के सब हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी कि लोगों ने बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, कोरोना के टाइम में भी काम किया और उस वक्त इन लोगों ने बहुत लोगों को उस वक्त खाना भी खिलाया और ये सारा इंतजाम अंजुमन कमेटी करती थी। बांका के धौरैया प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत रघु निकिता वार्ड संख्या 3 में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका की बहाली को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एलएस अहमदा खातून पर रिश्वत की मोटी रकम लेकर अभ्यर्थी ममता कुमारी का चयन आंगनबाड़ी सेविका के रूप में करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि इसको लेकर कई अभ्यर्थी द्वारा गलत रूप से चयन किया जा रहा है। वहीं आम सभा की अध्यक्षता कर रहे वार्ड सदस्य ने आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी की बात पर सहमति जताते हुए गलत तरीके से बहाल करने की बात कही, जबकि वार्ड सदस्य ने कहा कि एलिस अहमदा खातून के पति ने उसको जबरदस्ती नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। इधर हंगामा बढ़ता देख एलिस के पति ने नियुक्ति पत्र फाड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद एलिस के पति और पुत्र की मिली भगत से एलिस द्वारा जबरन अवैध रूप से सेविका का चयन किया गया। वहीं इससे कई ग्रामीण आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे और हंगामे की सूचना मिलते ही गांव के कुछ बुद्धिजीवी वहां पहुंचे और हंगामा को शांत कराया और तत्काल एलएस के द्वारा आम सभा स्थगित कर दी गई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि बिचौलियों द्वारा बहाली के नाम पर पैसे की मांग की जाती है और पैसे नहीं देने पर योग्य अभ्यर्थी के कागजात में हेराफेरी कर दोष निकाल लिया जाता है। यही जो बन रहा थी सरिका सहिका हो रहा है, इसमें वो लोग का मना की कहना है कि कर दीजिए, करने के लिए बलजोगड़ी कर रहे हैं। जो वहाँ से आया है अभी निर्देश उसको मान ले रहे हैं, अन्य ये अति का कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं और उन्हें बलजोगड़ी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि दस्तखत के लिए 2 लाख रुपया भी मांग रहे हैं हम लोग से, ऐसा ही कर रहे हैं। आप लोग से मांग किया है? हाँ जी। कौन मांगे हैं? सुपरवाइजर ये जो रहे, लेकिन बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपया दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। अहमदी खातून। आप किस पोस्ट पे हैं? सुपरवाइजर हैं जी, LS जी। तो आपका यहाँ पे आरोप जो लगा रहा है ये गांव वाला सबके धन लेके पैसा लेके, तो हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कर नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम पैसा तो आज तक मांगते ही नहीं किसी से, आज तक भी किसी के आज तक मांगते ही नहीं पैसा।
अच्छा बाल स्थगित हो गया तब अभी जी जी स्थगित कर दिया। हाँ स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया गया, हम स्थगित कर दिए, हम स्थगित कर दिए, हम स्थगित कर दिए, हम धांधली कर रहे हैं, हम स्थगित कर दिए हैं, हम जा रहे थे स्थगित करके, हमको घेरछांट के गाड़ी से निकालना चाह रहा है, निकालना चाह रहे हैं गाड़ी से, हम बैठे गाड़ी में बंद करके, हम जा रहे स्थगित करके हम जा रहे हैं। कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले भागलपुर के खंजरपुर निवासी नायक मिथिलेश पाठक के शहादत दिवस पर शनिवार को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद मिथिलेश पाठक 5 अगस्त 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश पर कुर्बान हो गए थे। वहीं भागलपुर के बड़ी खंजरपुर स्थित शहीद के आवास पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जहां उनके चित्र पर उनकी पत्नी अर्चना पाठक, पुत्र योगेश पाठक समेत आसपास के कई लोग एवं बुद्धिजीवियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान शहीद की पत्नी अर्चना पाठक ने कहा कि उनके पति का जाना बड़ा दुख का कारण तो जरूर बना, लेकिन साथ ही उन सबों को इस बात का गर्व है कि मिथिलेश पाठक की मौत नहीं हुई, बल्कि वो देश की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इधर उनके पुत्र और पड़ोसियों ने भी शहीद मिथिलेश पाठक को नमन करते हुए उनसे जुड़ी यादें साझा की। जी मैं खंजरपुर में रहती हूँ, मैं मैके में थी जो यहाँ कारगिल का खबर आया, जो मैं यहाँ से सब लोग गए थे। मूल निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गया के हैं। कैसे आपको सूचना मिली कि वहाँ से थाना से फोन आया था, बरानी थाना। उस समय का क्या माहौल था? माहौल तो था, खराब ही था थोड़ा। उसके बाद आप लोगों को क्या सुविधा मिली? सुविधा क्या मिलेगा, वही जो सरकार की तरफ से अभी तक तो नहीं मिला है, जो कारगिल में मिला है वहाँ से सोई पैसा हमको मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। देश के लिए शहीद हो गए हैं तो क्या कुछ माहौल है, कितना गर्व महसूस करता है परिवार? गर्व तो खैर है, दुख भी है और गर्व भी है कि देश के लिए शहीद हुए। राष्ट्रीय हड्डी एवं जोड़ सप्ताह के अवसर पर भागलपुर के एक निजी शिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित प्रोग्राम में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने सड़क सुरक्षा के नियम बताए। उन्होंने छात्र छात्राओं को दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता कैसे करें इसकी भी जानकारी दी। वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार ने ABC का फॉर्मूला बताते हुए कहा कि 3 मिनट ब्रेन को रक्त नहीं मिलने से व्यक्ति की जान जा सकती है, इसलिए घायल व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके प्राथमिक उपचार करें। इस दौरान उन्होंने CPR का तरीका और बेहोश व्यक्ति को होश में लाने की विधि भी बताई। डॉक्टर मनोज चौधरी ने सभी स्टूडेंट्स और टीचर से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अब पुलिस दुर्घटना वाले व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर पूछताछ नहीं करती है। डॉक्टर मनोज कुमार ने H1Save1 पर अपनी बात रखते हुए सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को बचाने पर जोर दिया। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का एक जागरूकता अभियान चल रहा है, 1 से 7 तारीख तक बोन एंड ज्वाइंट डे मनाया जाता है सारे देश में। उसके अंतर्गत H1Save1, हर आदमी एक आदमी को कैसे बचाएगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आज दिशा न्यूक्लियस के इस वर्ग में, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, उनको सड़क जागरूकता और सड़क जागरूकता अभियान के बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। ABCD क्या बता रहे थे सर? एयरवे, ब्लीडिंग, कार्डियक और डिफॉर्मिटी, ये 4 चीज है जिसको कि हम लोग किसी भी जो आदमी जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जो घायल हो गया है, उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं। और गोल्डन मोमेंट्स 3 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 मिनट तक अगर दिमाग को ब्लड नहीं मिलेगा तो आदमी का दिमाग मर जाएगा। अब वक्त उस एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए Silk TV। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के तत्वावधान में बुनियादी साक्षरता, भाषा ज्ञान एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के तहत स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक का जिला स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण बाल सुबोधनी स्कूल में आयोजित किया गया। वहीं शनिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन निपुण भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण में संकुल स्तर पर 2-2 मास्टर ट्रेनर को तैयार किया गया। प्रशिक्षण को लेकर साधन सेवी से जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि यह प्रशिक्षण नवाचारी वैसे बच्चों के लिए है जो स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं। उन्होंने कहा कि चहक प्रशिक्षण के तहत वैसे बच्चों को 3 महीना तक हंसी खुशी और खेल खेल में भाषा और संख्या ज्ञान के साथ बुनियादी साक्षरता प्रदान करना है, जिससे बच्चे बिना अतिरिक्त दबाव के सीख सके और बौद्धिक विकास आसानी से किया जा सके। हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि इससे बच्चे का जुड़ाव स्कूल से हो पाएगा और शिक्षण के साथ बच्चे का शारीरिक सामाजिक भावनात्मक विकास के अलावा संख्या ज्ञान कौशल का ही विकास होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर अपने अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसके लिए 2026-27 का लक्ष्य तय किया है। इधर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी दी गई। मौके पर प्रशिक्षक मोहम्मद मुश्ताक, शिक्षक अमित कुमार मिनाल, प्रियदर्शी पीयूष कुमार, रामकृष्ण दास समेत कई शिक्षक मौजूद थे। निपुण मिशन भारत के तहत पूरे बिहार में बुनियादी साक्षरता और भाषा ज्ञान एवं संख्या ज्ञान बच्चे को एक सक्षम वातावरण का निर्माण कर 26-27 तक प्रदान करना है। इसी के तहत भागलपुर जिले के हर एक संकुल से 2 मास्टर ट्रेनरों को यहां प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये सभी मास्टर प्रशिक्षक अपने संकुल अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं नामित शिक्षक को प्रशिक्षित करेंगे और वो अपने अपने विद्यालय में जाकर जो निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है, हमारा 26-27 का लक्ष्य है कि सारे बच्चे बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान में दक्ष हो जाएं, उसके लिए प्रशिक्षण का ये आयोजन किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर भागलपुर के सनहोला अंचल एवं प्रखंड कार्यालय का घेराव से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन जुलूस सनहोला मवेशी अस्पताल से निकलकर भगत सिंह चौक होते हुए प्रखंड से अंचल कार्यालय पहुंचा। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान भाकपा एवं नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बीडीओ को घेर कर पकड़ लिया और बीच सड़क पर ही नारेबाजी की। इसके बाद सनहोला बीडीओ और सीओ ने इसकी सूचना सनहोला थाने को दी और मौके पर पहुंचे भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बीडीओ अपने चैम्बर में गए, लेकिन प्रदर्शन करने वाले लगातार नारेबाजी करते रहे। वहीं इसके बाद सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान प्रखंड से कोई भी पदाधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। वहीं प्रदर्शनकारी की मुख्य मांग में सनहोला प्रखंड को शीघ्र सुखाड़ घोषित करने, सनहोला प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में व्यापक गड़बड़ी दूर करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में भारती से सनहोला बीडीओ द्वारा अवैध वसूली बंद करने समेत 19 सूत्री मांग शामिल है। इधर पार्टी की ओर से 19 सूत्री मांग को लेकर जिला पदाधिकारी के नाम से सनहोला बीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। मौके पर संजीत सुमन, रुपेश कुमार राज, वासुदेव पंडित, भाकपा नेता ब्रह्मदेव सिंह यादव समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। 5 घंटा पूरा होने के बाद में आया, सबसे पहला गलती प्रखंड विकास पदाधिकारी
अपने जवाब देने से इनकार कर रहे थे और भाग रहे थे और वहां पर रोका गया और वहां के प्रशासन के सहयोग से फिर यहां पर आया गया और उसमें भी पांच घंटा हुआ। अभी देख लीजिए समय 5 बज रहा है, 1 बजे से 5 बजे तक अपने एक कोठरी में बंद रहे, अपने चैम्बर में बंद रहे और हम लोग वहां तक पहुंचे। प्रशासन का हम लोग सम्मान कर रहे थे, वरना हम लोग वहां पर घुस करके भी उसको निकालने का काम करते और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को इस प्रखंड मुख्यालय से बाहर करते। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार स्थित प्रगति मैदान में भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने एनडीए समेत तमाम उन सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने देश को पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं कार्यक्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा झंडा लेकर कार्यकर्ताओं ने शेरमारी बाजार का भ्रमण किया जिसका नेतृत्व सलेमपुर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि घनश्याम दास ने किया। मन संचालन झक्कू उराव ने किया। मौके पर भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश मंत्री पिंटू मंडल, अंतिचक मुखिया ललिता देवी, हरेराम शर्मा और संगीता देवी समेत कई कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। माननीय महामहिम के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज रखा गया है एवं हर घर तिरंगा के लिए आज एक हमारे आदरणीय पिंटू जी ने जो रखा है यह आदिवासी समाज को जुटा करके इनको सम्मान देने का काम किया है इन्होंने। भागलपुर के जगदीशपुर थाना में विषहरी पूजा एवं मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में थानाध्यक्ष ने कहा कि मुहर्रम एवं विषहरी पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना उन सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है। थानाध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी के लिए जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी जिससे पर्व त्योहार के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। साथ ही कहा कि कहीं से भी कुछ अप्रिय सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। मौके पर जगदीशपुर प्रखंड शांति समिति के सदस्य, कई पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पुलिस मित्र एवं कई गणमान्य मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आधार कार्ड डाटा संग्रहण का कार्य शुरू। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मतदाता सूची को लेकर विशेष शिविर लगाने की कही बात। मुहर्रम और विशेष पूजा पर भागलपुर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। जिलाधिकारी बोले जुलूस की कराई जाएगी वीडियोग्राफी, डीजे वर्जित। आंगनबाड़ी सेविका बहाली में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। एलएस पर लगाया पैसे लेकर चयन करने का आरोप। कारगिल युद्ध में शहीद हुए नायक मिथिलेश पाठक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। लोगों ने किया नमन। और राष्ट्रीय हड्डी एवं जोड़ सप्ताह पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित। डॉक्टरों ने घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।